तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। गाइस अगर आपने बीएसएनएल का सिम ले रखा है एंड आपके फोन में जो सिर्फ ई लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, मतलब जब भी आप लोग इंटरनेट ऑन करते हो आप लोग को सिर्फ यहाँ पर ई लिखा हुआ आता है, 4G वगैरह कनेक्ट ही नहीं होता है। एंड जब भी आप लोग यूट्यूब या फिर कोई चीज डाउनलोड वगैरह करते हो तो कुछ भी नहीं हो पाता होगा, ठीक है, सिर्फ ई यानी कि 2G इंटरनेट दे रहा है आप लोग के फोन में। तो गाइस आज के समय आपको यही चीज बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने बीएसएनएल का सिम लिया है नया वाला एंड इसमें आप लोग 4G इंटरनेट का यूज करना यानी कि 4G चलाना चाहते हो तो आप लोग कैसे चला सकते हो, यानी कि कैसे 4G इंटरनेट एक्टिवेट कर सकते हो अपने बीएसएनएल के नए सिम में। तो गाइस चलिए वीडियो करते स्टार्ट और आप लोग को सारा कुछ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग को क्या चीज कर रहे हैं। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर आप लोग को सारा कुछ बताते हैं। तो गाइस अपने बीएसएनएल के नए सिम में या फिर अगर पोर्ट करवा रखे हो तो उसमें आप लोग को 4G एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे अभी भी ई ही लिखा हुआ है यानी कि 2G इंटरनेट। तो 4G एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को इंटरनेट मोबाइल का ऑफ कर लेना अगर ऑन है तो। उसके बाद आप लोग को एक बार एरोप्लेन मोड में डालना एंड उसके बाद थोड़ी देर में एरोप्लेन हटा देना एंड आपको वेट करना है जब तक नेटवर्क ना आ जाए। तो देख पा रहे नेटवर्क आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। तो यहाँ पर सेटिंग मैं सिंपली ओपन करता हूँ सेटिंग को। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिखेगा सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क, आप लोग को खोज लेना, सिंपली इसके ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना। गाइस जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर दिखेगा एडवांस सेटिंग ऑप्शन सबसे लास्ट में, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर डाटा रोमिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग को चेक करना है जो इंटरनेशनल रोमिंग है ये वाला नेवर पे है या फिर नहीं, अगर नहीं है तो आप लोग को नेवर पे कर देना है, ठीक ना। तो उसके बाद बैक करना है आप लोग को, एक बार फिर से करना है बैक। देन आपको यहाँ पर बीएसएनएल मोबाइल जिसमें बीएसएनएल का सिम डला हुआ है उसी के ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। गाइस जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिखता है। तो आप लोग को अब क्या करना है, यहाँ पर दिखेगा प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप और यूज वोल्टी, ये वाला जो सबसे लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है ना यूज वोल्टी, इसको आप लोग को ऑन कर देना है, ठीक ना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिखेगा मोबाइल नेटवर्क और प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन। तो प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पर क्लिक करना, अगर आपका यहाँ पर 2G है सेलेक्ट तो आपको सबसे ऊपर वाला दिख रहा है प्रीफर LTE पर कर लेना। अगर नहीं प्रीफर LTE पर काम करेगा तो आप लोग 3G भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर प्रीफर LTE चूज कर लें। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पर दिखेगा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क, इसको आप लोग को ऑन होगा तो इसको आप लोग को ऑफ करना है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिखेगा, आप लोग को सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से ओके का ऑप्शन आता है तो आप लोग को ओके पर क्लिक करना है। देन आप लोग को यहाँ पर सर्चिंग का ऑप्शन दिखाई देगा तो आप लोग को यहाँ पर 10 से 15 सेकंड वेट करना पड़ सकता है। कभी कभी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है तो 1-2 मिनट भी वेट करना पड़ सकता है। जैसे ये वाला ऑप्शन खत्म होता है सर्चिंग का, उसके बाद आप लोग को कुछ अलग अलग नेटवर्क दिखाई देगा यहाँ पर बीएसएनएल का, जैसा कि देख पा रहे बीएसएनएल मोबाइल 4G, 7, 3G, 7, 2G अलग अलग नेटवर्क भी दिखाई देता है। लेकिन अगर आपका 2G में रहता है तो आप लोग को पहले भी यहाँ पर 4G वाला ऑप्शन पर टिक कर देना, ठीक है। मैडम तो ऑलरेडी देख पा रहे 4G सेलेक्ट हो चुका है, तो अगर नहीं रहता तो आप लोग को 4G पर क्लिक कर देना। आप लोग को जैसा कि आप लोग देख पा रहे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर दिखाएगा रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क, इसका मतलब 4G अब सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपके मोबाइल में नेटवर्क आ जाएगा 4G जब इंटरनेट ऑन करोगे। तो देख पा रहे यहाँ पर 4G इंटरनेट आ चुका है एंड आप लोग अब जो है यूट्यूब वगैरह या फिर कुछ डाउनलोड वगैरह करोगे तो वो भी काम करने लग जाएगा। तो सिंपली आप लोग को जैसे कि मैं एक बार चेक भी कराता हूँ, तो एक बार मैं यूट्यूब को ही ओपन करता हूँ, पहले आप लोग को दिखाता हूँ कि यूट्यूब काम कर रहा है कि नहीं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर YouTube वर्क करने लगे है। जैसे ही 4G नेटवर्क आया, पहले 2G आता था ई लिखा हुआ सिर्फ, तो अब आप लोग किसी चीज़ को डाउनलोड भी करोगे तो वो डाउनलोड भी हो जाएगा। तो गाइस कुछ इसी तरह से आप लोग अपने नए बीएसएनएल के सिम में 4G इंटरनेट एक्टिवेट कर सकते हो। सो आई होप कि अब आपके भी फोन में बीएसएनएल का 4G इंटरनेट कनेक्ट हो गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।